हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर कल यानी 25 मई को वोटिंग होनी है, जिसके चलते प्रदेश में चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो गया है। वहीं अब नेता भगवान के दरबार में जाकर अपनी जीत की मनोकामना कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल के बजीदा रोड़ान गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाबा लक्कड़नाथ जी की समाधि पर माथा टेका। उन्होंने शिव मंदिर में भी माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद वो बाबा लक्कड़नाथ के धुने पर गए, वहां पर उन्होंने माथा टेका। उसके बाद उन्होंने बाबा धर्मनाथ और बाबा चरणनाथ का आशीर्वाद भी लिया। मनोहर लाल ने कहा कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो अपने आप में पवित्रता का स्थल होते हैं। ऐसे स्थान होते हैं जो अपने आप में पवित्रता का एक स्थल होते हैं। यहाँ जो हमारी जानकारी है, बाबा लक्कड़नाथ जी ने वर्षों पहले, जब ये इलाका जंगलों का इलाका होता था, उस समय तपस्या की, घोर तपस्या, और एक प्रकार से ऐसी तपस्या इन्होंने की कि आसपास के लोग अपनी मनोकामना को मनवाने के लिए यहाँ आने लगे, और वास्तव में उनकी सिद्धि इतनी थी कि लोगों की मनोकामना पूरी होती रही। और मुझे भी जब भ्रमण करते हुए जानकारी मिली कि यहाँ बजीदा जाटान में इस प्रकार का ये आश्रम है, बजीदा रोड़ान में इस प्रकार का ये आश्रम है, तो मैंने अपने मन में संकल्प किया कि मैं पहले नहीं, दिन चुनाव से पहले का दिन है आज, चूंकि प्रचार अभियान उस प्रकार का नहीं है, तो आज तो केवल व्यक्तिगत मिलने जुलने का ही कार्यक्रम है। उसी नाते से मैं आज यहाँ आकर के और आशीर्वाद लिया है। इस समय जो बाबा धर्मनाथ जी हैं और उनके शिष्य चरणनाथ जी भी हैं, तो इस प्रकार से उनसे आशीर्वाद लिया और बाबा जी बाबा लक्कड़नाथ जी की समाधि के ऊपर उनके दर्शन किए, प्रणाम किया, और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि विजयी भव इस प्रकार का जैसे होता है तो उनका सफलता मिलेगी। तो स्वाभाविक है, जनता की भी आस्था होती है और ऐसे स्थानों पर जनता को एक संकेत भी मिलता है, तो उस नाते से लोग इनके आशीर्वाद को पूरा करने के लिए जनता भी सहयोग करें। कल कितने बजे वोट डालने जाएंगे? सुबह मेरी इच्छा तो यही है कि प्रातःकाल सबसे पहले ही जाकर के वोट 7 बजे के आसपास में पहुंचूंगा। 174 नंबर बूथ है, 902 नंबर मेरा वोट नंबर है प्रेमनगर में, जो आज मैंने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो पोलिंग बूथ है, आज उसकी जानकारी दी। कर करते पहुंचे अब सवेरे, आराध्य देवता जो है वो जैसा संकेत करेंगे वैसा पहुंच जाएंगे। स्वाति माईवाल ने कई सवाल खड़े किए हैं, नई को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मेरे साथ, अच्छी बात यह है कि आज इस पवित्र स्थली पर इस प्रकार के प्रश्न न करें, किसी के खिलाफ टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता है। हम भी संस्कारित लोग हैं, संस्कारों के में रह करके सब करेंगे, बाकी जनता सब जानती है। वही पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बताया कि वो कल सुबह 7 बजे वोट डालेंगे। साथ ही स्वाति मालीवाल की तरफ से मारपीट के जो आरोप लगाए गए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए पर, उस पर मनोहर लाल ने कहा कि जनता सब जानती है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।